फेसबुक एंड सोशल मीडिया एक इल्यूजनरी वर्ड है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। फेसबुक का जब आप स्क्रॉल करते हो तो उसमें क्या आपको दिखता है, यू नो, अगर मैं लाइफ को दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, फर्स्ट पार्ट ए दैट इज व्हाइट साइड, मींस लोगों की लाइफ के पॉजिटिव साइड, यू नो, और पार्ट बी व्हिच इज यू नो नेगेटिव साइड, जहां पे लोगों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, यू नो। सो अगर मैंने पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड कर दिया, अब मैं अगर स्क्रॉल कर रहा हूँ फेसबुक को एंड मैं फेसबुक पे क्या देखूं, सो व्हाट पीपल आर पोस्टिंग देयर, people are posting there is their positive side most of the time, you know, let's suppose agar koi achievement hai, you know, agar koi you know job change kiya, switch kiya hai, package acha laga, manager ban gaye hain, you know, ya kahin main ghumne ja raha hu aur wahan par kuch acche acche places ki photographs dal raha hu, you know, family ke sath, you know, friends ke sath, लेट सपोज मैंने कोई अचीव कुछ अच्छा अचीव किया है, वो मैं पोस्ट कर रहा हूँ, यू नो, मुझे कुछ अवार्ड मिला है, यू नो, या मुझे कुछ और कुछ पॉजिटिव्स मेरी लाइफ में जो चल रहा है वो सब मैं पोस्ट कर रहा हूँ, यू नो, व्हाट एक्चुअली हैपनिंग इज, यू नो, सो ये मेरी लाइफ का क्या है, पार्ट ए व्हाइट साइड, यू नो, लेट्स टर्न दिस, मेरी लाइफ का ये एक पार्ट बी है जो एक हर एक इंडिविजुअल की लाइफ का है, पार्ट यू नो बी, जहाँ पर स्ट्रेस है, टेंशन है, यू नो, बहुत सारी वरीज हैं जिनको आप यू नो अपनी लाइफ में डे टू डे लाइफ में हैंडल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, क्या आप उन सारी नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, क्या आप उनको डाल रहे हैं फेसबुक पर और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर? आंसर इज एब्सोल्युटली नो, राइट। एक्सेप्शंस को अगर मैं बात छोड़ दूँ, बहुत कुछ लोग डाल रहे हैं, अगर मैं बात करूँ 100 लोगों की तो 100 में से मोर देन 80% लोग ये सब चीज़ें नहीं डाल रहे, पार्ट भी नहीं डाल रहे हैं, राइट। सो यू नो, तो जब हम स्क्रॉल करते हैं फेसबुक को और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो हम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ को बाकी की लाइफ से, यू नो। अब होता क्या है, लेट सपोज आपका एक फ्रेंड है जो बहुत अच्छा कहीं एफिल टावर के साथ में के पीछे फोटो खड़े होकर पीछे फोटो खिंचवा रहा है, यू नो, या किसी को बहुत अच्छी प्रमोशन मिली है, या किसी को कुछ अच्छा, किसी ने अपना बहुत बड़ा घर बनवाया है, बहुत बड़ी गाड़ी खरीदी है। अब आप जब स्क्रॉल कर रहे हैं तो आप ये सब चीज़ें देख रहे हैं, अब आप जब ये सब चीज़ें देख रहे हैं तो आपके आप यू नो आप क्या सोच रहे हैं, यार मेरी लाइफ ऐसी कब होगी, अगर आपकी लाइफ ऐसी नहीं होती, यू नो, तो आप कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। अब एक्चुअल में अंडरस्टैंड करने वाली बात यह है कि अगर आप उनकी लाइफ में भी अंदर उतरोगे, जिन लोगों को आप देख कर ये सोच रहे हो कि मेरी लाइफ ऐसी कब होगी, तो आपको पता लगेगा कि यार वो लोग भी सिर्फ अपना पार्ट ए दिखा रहे हैं फेसबुक पे, यू नो, सोशल मीडिया पे। यानी कि आपको ये समझना है कि ये एक इल्यूजनरी वर्ड है जहाँ पर पार्ट बी नहीं दिख रहा है। तो आप जब पार्ट ए को देख रहे हैं लोगों की, तो आपके माइंडसेट में बहुत सारी निगेटिविटी आ रही है कि मेरी लाइफ ऐसी कब होगी, मैं मेरी लाइफ मेरी किस्मत ख़राब है, यू नो, और उसका उस निगेटिविटी के कारण से आप और अपनी लाइफ में पीछे होते जाते हैं। सो वॉट यू शुड डू इज आज से ही ये चीज़ चेंज कर दो। एवरीबडी, मैं हमेशा बोलता हूँ एवरीबडी, मैं अपनी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में भी, इवन यू नो मैं अपनी स्टूडेंट्स ट्रेनिंग में जहाँ जाता हूँ, यू नो मैं अपनी शेप योर लाइफ प्रोग्राम्स में भी हमें ये बात बहुत माइंडसेट लेवल पर चेंज करता हूँ उनकी, कि एवरीबडी हैज देयर ओन टाइम क्लॉक, सबकी लाइफ अपने टाइम क्लॉक के हिसाब से चल रही है। अगर आपने अपने टाइम क्लॉक को किसी और की लाइफ के टाइम क्लॉक से मैच कर लिया, तो यू विल नेवर बी हैप्पी, राइट, क्योंकि यू नेवर नो कि उनकी लाइफ का नेगेटिव टाइम कब आने वाला है और आपकी लाइफ का नेगेटिव और पॉजिटिव टाइम कब है। सो आप नेवर कंपेयर योर लाइफ विद, और स्पेशली सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि सोशल मीडिया में जैसा कि कहा, एक इल्यूजनरी वर्ड है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव दिखाया जा रहा है। सो आज के बाद से मैं बहुत सारे यू नो इवन मैंने बहुत गर्ल्स में देखा है ये अप्रोच, की यार बहुत कंपेरिजन करती हैं, और यार वो देखो वो उसकी लाइफ ऐसी चल रही है, उसने इतनी बड़ी गाड़ी खरीदी है, उसके साथ ऐसा सब कुछ चल रहा है, मेरी लाइफ में ऐसा नहीं चल रहा है।
देन देखो हम वो लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं, हम लोग अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, हम तो सिर्फ डेली लाइफ में स्केड्यूल में फंसे हैं. सी इट्स नॉट अबाउट दैट. वो भी अपनी लाइफ में जिनके आप पोस्ट देख रहे हैं वो भी अपनी लाइफ में स्केड्यूल्स हैं, उसके भी वो फंसा हुआ है, वो भी अभी कुछ दिन के लिए बाहर घूमने गया है, वापस जब बैक टू पवेलियन आएगा तो उसकी लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव्स भी चल रहे हैं, पॉजिटिव्स भी चल रहे हैं. सो नेवर 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 कंपेयर टू योर लाइफ विद एनीबडी एल्स, राइट? मेक सेंस? यू गॉट द पॉइंट? आज के बाद से पॉजिटिव रहो. एवरीबडी हैज देयर ओन टाइम क्लॉक, एज आई सेड. एंजॉय योर लाइफ. Keep doing your work, things will be happening, right?